टीकमगढ़ जिले के ग्राम बधा में बुंदेलखंड के हजारों वर्ष चमत्कारी एवं अतिशयकारी अतिशय क्षेत्र बंधा जी में पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर 170 मंडलीय समावशरण महामंडल विधान एवं आध्यात्मिक श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन चल रहा है। ये आयोजन 19 सितंबर तक चलेगा। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 विमल सागर जी महाराज, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी एवं भाव सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। 170 मंडलीय विधान एक ऐसा आयोजन है जो इतिहास में पहली बार हो रहा है। आध्यात्मिक संस्कार शिविर में बुंदेलखंड से सैकड़ों शिवरार्थी बंधा जी में अपनी साधना कर रहे हैं। जैन तीर्थ क्षेत्र बंधा जी में विश्व के प्रथम रजत मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 24 तीर्थंकरों की चांदी की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। मंदिर का निर्माण पीले रंग के पाषाण से किया जाएगा। वहीं आज बंधा जी कमेटी द्वारा समस्त पत्रकारों का सम्मान किया गया। मुरली मनोहर जैन ने बताया कि ये मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना है और यहाँ पर सभी भक्तगणों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस समय 170 मंडली है। समवशरण महामंडल विधान एवं आध्यात्मिक श्रावक संस्कार शिविर चल रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मुरली मनोहर जैन, अध्यक्ष अतिशय क्षेत्र बंधा जी, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। अध्यक्ष जी, आपसे पूछना चाहेंगे, अभी जो क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे आते भैया? यहाँ पर विश्व में पहली बार 170 समोषण सजा करके श्री 1008 समोषण महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिवर श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, अचल सागर जी, भाव सागर जी महाराज के सानिध्य में यह विशाल आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत में कई नगरों से, पूरे देश से, प्रदेश से, कई नगरों से यहाँ लोग बाग श्रावक संस्कार शिविर में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, जो पर्युषण महापर्व में व्रतों की आराधना कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। ऐसे यहाँ उनके श्रावक संस्कार शिविर की साधना भी चल रही है। जैन धर्म की बात किया तो मुख्य रूप से कौन से भगवान यहाँ पे हैं, कितने वर्ष पुरानी वह कितना है? लगभग 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन 24 तीर्थंकरों में से दूसरे तीर्थंकर चेतन चमत्कारी देवादिदेव मनोहारी अतिशयकारी श्री 1008 अजितनाथ भगवान की प्रतिमा जी यहाँ मूल नायक हैं और उन्हीं का अतिशय यहाँ 40 गांव में नहीं अब तो पूरे भारत देश में उनके अतिशय का गुणगान हो रहा है। और वो वास्तव में ऐसे चमत्कारी भगवान हैं कि जिनके दर्शन करके आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने स्वयं यहाँ विश्व का प्रथम रजत मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। कोई समस्या की बात की जाए इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे बंधा जी के पास क्या क्या समस्याएं आती हैं जो आप मतलब पूरी नहीं हो पा रही? मेरा शासन प्रशासन से यहाँ की समस्याओं के बारे में निवेदन है, जिला के मुखिया माननीय कलेक्टर महोदय से, कि वो यहाँ आकर के ऐसे विश्व प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है उसका अवलोकन करें और आकर के देखें। जो हमारे तहसील के SDM महोदय हैं, तहसीलदार महोदय हैं, उनको आकर के इस क्षेत्र को देखना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि हाँ ऐसे 5-5 ऋषिराज तपस्या में लीन हैं और उनके आने जाने में इतनी परेशानी हो रही है, गड्ढे भर रहे हैं, कीचड़ मचा हुआ है। यहाँ वास्तव में देखा जाए तो इस इतने बड़े प्रसिद्ध क्षेत्र के लिए कोई भी अंदर जाने के लिए मात्र 10 फुट चौड़ी रास्ता है। यदि एक बार जाम लग जाए तो लगभग 1 घंटा में एक यात्री मंदिर तक पहुंच पाता है, दूरी मात्र 500 मीटर। आपका नाम? मेरा नाम ऋतिका जैन है। कहाँ से आई? मैं जबलपुर के पास पिपरिया से आई हूँ। कैसा लगा यहाँ बधा जी में आप? यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान की प्रतिमा बहुत ही अतिशयकारी है। सच में देखा जाए तो प्रतिमा को ध्यान से संकटहारी है, दुखहारी है। और मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे पुनः दोबारा यहाँ पर आने का मौका मिला है। अभी 2 महीने पहले यहाँ पर सिद्ध परमेष्टि की आराधना हुई थी, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बंधा जी क्षेत्र में
जो भी असुविधाएं यहाँ पर हैं उसको भी नज़रअंदाज करके देखा जाए तो यहाँ की जो कमेटी है, दिगंबर जैन समाज की कमेटी है, आदरणीय मुरली भैया, अक्षय रसिया भैया, ऋषभ भैया, जीतू भैया और भी बहुत से नाम हैं, ये लोग तन मन धन से समर्पित हैं और इन्हीं का प्रोत्साहन और इन्हीं का प्रयास था जो मुझे जबलपुर से यहाँ पर आने का दूसरी बार पुनः मौका मिला है। और आचार्य श्री की परम अनुकंपा से यहाँ पर 170 मंडली समोशरण विधान हुआ, जो कि विश्व में पहली बार ऐसा विधान यहाँ पर हुआ है और विश्व में पहला ही ये रजत जिनालय जो बनने जा रहा है कुछ गुरुदेव के आशीर्वाद से, उसकी मैं साक्षी बनी और मैं यहाँ पर आई, वो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था और मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। टीकमगढ़ से CN न्यूज़ के लिए मनोज खरे की रिपोर्ट।